अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डाइट क्लिनिक बाय मानो रुपए। मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और हेल्दी रेसिपी। ये रेसिपी स्पेशली कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जो बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं हो रहा, उनके लिए ये रेसिपी है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। आपने ले लेना है 1/2 कप ओट्स, 8 to 10 स्ट्रॉबेरीज, 1 ग्लास दूध, शहद, हस्बे साइकिल शहद आप इसमें डाल सकते हैं, ना भी डालें तो ठीक है, ऑप्शनल है ये बिल्कुल। 7 मेन इंग्रेडिएंट इसका है फ्लैक्स सीड्स। 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स को मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया है। आप इनको रॉ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। अगर रॉ यूज़ करते हैं तो वो मुंह में आते हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं होते, इसलिए मैंने इसका पाउडर कर लिया। हम सिंपल से इंग्रेडिएंट्स से हम सिंपल सी स्मूदी बनाएंगे, जो आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही हेल्दी होगी। इन सब चीज़ों को हम डाल लेंगे अपने ब्लेंडर में और इनको कर लेंगे ब्लेंड। अच्छे से ब्लेंड करना है 4 to 5 मिनट्स तक, ताकि स्ट्रॉबेरीज, फ्लैक्स सीड्स, अगर आपने फ्लैक्स सीड्स पहले से ग्राइंड नहीं किए हुए तो 4 to 5 मिनट्स लगेंगे, वरना 2 to 3 मिनट्स भी काफ़ी होंगे। ये जी हमारी डिलीशियस स्मूदी रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होगी क्योंकि हमने इसमें ओट्स ऐड किए हैं। अगर आप चाहें तो ओट्स को थोड़ा सा रोस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए पानी में सोक करके भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे आप उस तरह से इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और सिंपल रेसिपी है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का कोई इशू नहीं है फिर भी आप ये ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।